नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पर ही SMD स्टेंसिल कैसे बनाई जाती है वो बताऊंगा। इसके लिए आपको किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी, एक मार्कर की, एक टेप की, और जिस PCB को आपको SMD स्टेंसिल बनानी है वो PCB, और 0.5 से लेके 0.7 mm तक की FR4 की सीट। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हम किस प्रकार से कई बोर्डों को इसी SMD स्टेंसिल से तैयार कर रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हज़ारों की मात्रा में बना रहे हैं हम लोग। देखिए, एक तो ये है, आपको क्वालिटी बिल्कुल ऐसी मिलेगी जैसे पिक एंड प्लेस मशीनों से मिलती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी बेटर फिनिशिंग है, आपको लगे ना कि मतलब घर में कोई ऐसे बना रहा है तो मतलब ये है कि उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी बहुत बेटर आएगी। फैक्ट्री में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये स्टेंसिल एक बार बना ली तो कभी ख़राब नहीं होती है। इसे वॉश कीजिए और धोइए, फिर दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। बस थिनर की सहायता से आपको उसको ढंग से धोना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाहर जाके आपको लेज़र मशीन्स के ऊपर जाके बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें काफ़ी खर्चा भी आता है, मात्र 50 रुपये में तैयार हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं SMD स्टेंसिल बनने के लिए। सबसे पहले आपको जिस PCB को SMD स्टेंसिल बनानी है उसको ये आप एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप अपने हिसाब से। मैं इसका स्टेंसिल का फ्रेम कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। बिल्कुल लूज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपकनी चाहिए, क्योंकि लूज़ रहेगी तो फिर दिक्कत आएगी आपको। देखिए, ये चिपक गई इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, आप दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ जहाँ जहाँ आपको SMD पार्ट्स लगाने हैं वहाँ वहाँ आप उस पर मार्किंग कर लीजिएगा। देखिए मार्किंग कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको, मार्कर लेना है, ये कंपोनेंटों के हिसाब से होगा कि कितने mm की ड्रिल लगेगी, 1206 की रेजिस्टेंस के लिए कितने mm की लगेगी, M1 डायोड के लिए कितनी लगेगी, ICs के लिए कितनी लगेगी, और SMD PF के लिए कितनी लगेगी, ये निर्भर करता है उसकी साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, मैं निशान लगा रहा हूँ, अगर मैं आपको सारे निशान लगा के दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं निशान लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी थोड़ा सा निशान लगा के आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने सारे निशान लगा दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मार्कर जो आपको लेना है बिल्कुल नया लेना है, क्योंकि पुराने मार्कर से आपको पता है रफ निशान लगेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर निशान आया है। अब इसमें हम लोग ड्रिल की सहायता से होल करेंगे, और आपको कौन सी ड्रिल चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने PCB स्टेंसिल पे से हटा दी है निशान लगाने के बाद। देखिए निशान यानी मार्किंग कितनी बढ़िया तरीके से की है मैंने। एक बार जब आप शुरुआत करेंगे उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, फिर सारे निशान प्रॉपरली बढ़िया तरीके से लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी। चलिए अब हम इसमें छेद करना सीखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेंसिल में होल करने के लिए देखिए, मैं ये ट्रिमर यूज़ करता हूँ, डोंग चंग का ट्रिमर है ये, काफ़ी बढ़िया है, 30,000 RPM है। पर इसकी आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 30,000 RPM है तो काफ़ी दिक्कत होगी हाई स्पीड में। तो इसके लिए इसका छोटा वर्जन भी आता है, कम RPM वाले भी अवेलेबल होते हैं, आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं। इसे ट्रिमर होता है,
देखिए इसमें ये ड्रिलिंग बिट लगी है, इसे माइक्रो बिट बोलते हैं। ये भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं साइज़ वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, मैं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इसकी डिटेल सारी मैं दे दूँगा आपको। चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब इसमें ड्रिल करना सिखाता हूँ ट्रिमर की सहायता से। सारे होल मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको कुछ ही होल करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ होल कर दिए हैं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से हुए हैं होल। बाकी मैं पूरे होल कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों देखिए कितने बढ़िया तरीके से होल हुए हैं, आप पीसीबी को इसके साथ मिला के आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल गई है। अब आप इसको स्टेंसिल फ्रेम के ऊपर लगा के पेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, अगर आपको कोई पार्ट नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कि ये बिट नहीं मिल रही है या ये ट्रिमर की दिक्कत हो रही है, ये मतलब 0.5 से लेके 7 तक की आपको ये FR4 सीट भी नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों इस स्टेंसिल को SMD फ्रेम के ऊपर कैसे लगाते हैं और पेस्टिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा।